तो भाई अभी हमने बच्चों का इंटरव्यू लिया और हम खा रहे भंडारा भाई के साथ। उधर देखिए भंडारा चल रहा है, तो ये भंडारा हो रहा था यहाँ पर और हम यहाँ खाना लेके बैठे हैं। और काफ़ी लोग, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पर प्रसाद चख रहे हैं। कैसा लगा खाना? बढ़िया जी। कोई मतलब जैसे आप चाहते हो भंडारे होते रहें इस तरह के सही चीज़ें? हाँ जी। और आपने एक बार खाना लिया, दो बार? एक ही बार लिया अभी। तो खाना टेस्टी लग रहा है? नहीं लग रहा है। टेस्टी लग रहा है। अच्छा बताओ, जैसे आप कहाँ के रहने वाले हो बेसिकली? एमपी। एमपी में किस जगह से? छतरपुर जिला। तो भाई साहब हमारे साथ एमपी छतरपुर जिले के हैं और यहाँ पर ई रिक्शा चलाते हो आप, तो पुलिस को तो नहीं पैसे देने पड़ते कभी? नहीं, कभी कुछ नहीं? नहीं। योगी राज चल रहा है यहाँ पर, पता होगा आपको, तो कोई दिक्कत तो नहीं पुलिस वुलिस की इस तरह की? ना कोई दिक्कत ना अभी इसको तो। और कितना पैसे कमा लेते हो दिन के डेली के? 400-500। 400-500 रुपये कमा लेते हैं, मतलब महीने के 12,000-13,000-15,000 रुपये कमा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा खाना है और हम भी अब भंडारा लगाने की सोच रहे हैं अनुराग देहलस की तरफ से, तो सेक्टर 2 में लगाएंगे हम। ये एक एकेडमी स्कूल है ना, उसके सामने ही। तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग खाना खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। मेरी भी इच्छा है कि मैं भंडारा लगाऊं अगर ऊपर वाला लगवाएगा तो। तो भाई ये देखिए रिक्शा में खाना खा रहे बैठते, कितना सुकून है यहाँ पर। और बहुत से लोग करोड़ों रुपये कमा कर भी खाना नहीं खा पाते। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं भी खा लूँ, नहीं तो वीडियो बनती रहेगी। थैंक यू।